मैं नितरोज की अपमान से थक चुका हूँ। कभी भाई बहनों की घृणा और परिहास मेरे स्वयं अपने ही पिता ने सदा मेरे प्रति घृणात्मक दृष्टिकोण रखा। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। अब मुझे अपनी शक्तियों को अर्जित करना होगा। हाँ, मैं ब्रह्मदेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके शक्तियां अर्जित करूंगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ये मेरा भक्त घोर तपस्या कर रहा है, अब तो मुझे इसे दर्शन देना ही होगा। उठो वत्स। ब्रह्मदेव के चरणों में दास का शत-शत प्रणाम स्वीकार। हम तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न है। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो वत्स? ब्रह्मदेव, ये मेरा सौभाग्य ही है कि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी तपस्या उत्कृष्ट है, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। ब्रह्मदेव, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे सिर्फ इतना ही वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी पर अपनी शुभ दृष्टि डालूं उसका कल्याण हो, परंतु जिस किसी पर मैं अशुभ दृष्टि डालूं उसका सर्वनाश हो, और सर्वनाश भी ऐसा कि सकल ब्रह्मांड में कोई भी देवता उसको बचा ना सके। ऐसा ही होगा। अहो भाग्य, अहो भाग्य ब्रह्मदेव। अब मैं एक छत्र राज्य करूंगा। मेरे भाई जो अहंकारवश राज्य कर रहे हैं, सर्वप्रथम उन्हीं का सर्वनाश करूंगा, उन्हीं का सर्वनाश करूंगा। अब इस सिंहासन का मैं ही एक छत्र राजा हूं।
कोई भी भीरू इस राज्य से घासन की तरफ आग उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि मैं शनि देव सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो। विलास हास परिहास इसके अतिरिक्त और कोई कार्य आता है तुम लोगों को? बहुत हो चुका ये सब, अब चुपचाप ये सिंहासन रिक्त करके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे। प्राण तो तुम्हारे संकट में है शनिदेव, अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अभी यहीं से चले जाओ। अच्छा मैं भाग जाऊं? लगता है तुम दृष्टिहीन हो गए हो शनि। दृष्टिहीन? दृष्टिहीन तो तुम लोग हो मूर्खो। मैंने कठोर तपस्या कर ब्रह्म देव से कई शक्तियां कई वरदान अर्जित करे हैं, मेरे एक ही वार से तुम तीनों का सर्वनाश कर देगा। भीमरो की तरह कहीं खड़ा हो शनिदेव, हिम्मत है तो आओ युद्ध करो। तू भी आ, तुझे भी यम के द्वार पहुंचाता हूं, आ जा। दुष्टने सिंहासन का मैं ही एक छत्र राजा हूं, कोई भी भीरू इस राज्य सिंहासन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि मैं शनि देव सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो। देवी, शनि के संदर्भ में कोई नवीन समाचार? आपके मुख के भावों को देखकर प्रतीत होता है कि शनि ने फिर कुछ किया। अब क्या किया शनि ने? स्वामी, मुझे ज्ञात हुआ है शनि ने तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली हैं, और वो इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। स्वामी, कृपया कुछ कीजिए, उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। देवी, बार बार हम शनि को समझाते हैं किंतु शनि तो कुछ जैसे समझना ही नहीं चाहता। स्वामी, इसमें कहीं ना कहीं दोष हमारे कुटुंब का भी है, हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा की गई शनि से इतनी घृणा, जिससे वो बहुत आहत हुआ और उसका स्वभाव विद्रोह हो गया।
सत्य कहती हैं देवी, सत्य कहती हैं आप। हम मानते हैं कि शनि के साथ ये सब हुआ है, बहुत कुछ अनैतिक हुआ है, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि शनि अपना नम्रता का व्यवहार छोड़ दे। रक्षा करो, रक्षा करो। पुत्रो, कैसे संकट आन पड़ा? अरे तुम लोग तो घायल हो, तुम्हारी अवस्था किसने करी? बोलते क्यों नहीं पुत्रो, चलिए बताओ। पिताश्री और माताश्री, हमारी यह अवस्था हमारे भाई शनिदेव ने की है। उसने हमसे हमारा राज्य छीन लिया, हम अपने प्राण बचा के भाग के आए, अन्यथा वो हमें मृत्यु को प्राप्त कर देता। अब आप सब लोग जाइए पुत्र, और जाकर राजवैद्य से अपना उपचार कराइए। कीजिए स्वामी, नहीं तो इस परिवार का विद्यावंश हो जाएगा। कुछ कीजिए। चिंता ना करें, हम अभी शनि को बुलाते हैं। शनि, उपस्थित हो। बोलिए माताश्री, पिताश्री। किस कारण याद किया है मुझे? पुत्र, तुम क्रोध में शिष्टाचार भी भूल गए? शिष्टाचार? शिष्टाचार माताश्री? शिष्टाचार सिखाने के लिए अनुकूल समय कदापि नहीं है। बोलिए पिताश्री, किस कारण याद किया है मुझे? शनि, क्या आप अपनी माता से किस प्रकार बात कर रहे हैं? और वैसे भी शनि, आपको कुछ भी कहना तो व्यर्थ होगा, क्योंकि आप किसी का सम्मान जो नहीं करते। पिताश्री, एक बात आप भी याद रखिए कि शनि बिना कारण किसी का अहित नहीं करता। जब ये बात है तो तुमने अपने भाइयों का हित क्यों किया? शनि, ये तो विचारणीय प्रश्न है। विचारणीय प्रश्न? पिताश्री, मेरा उत्तर भी संतोषजनक ही रहेगा। मेरे भाइयों ने सदैव मेरा तिरस्कार किया है, हर क्षण प्रत्येक क्षण मुझे आहत किया है, और आज मैंने उन सभी तिरस्कारों का प्रतिशोध लिया है, प्रतिशोध। अर्थात तुम इनका राज्य वापस नहीं करोगे? कदापि नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना, तब भी ये राज्य वापस नहीं करूंगा। पुत्र, इतनी उद्दंडता अच्छी नहीं है। माताश्री, आप मुझे उपदेश दे रही हैं? तब कहां गया था आपका ये उपदेश, जब मेरा प्रत्येक भाई मेरा परिहास कर रहा था, जो प्रत्येक क्षण मुझसे घृणा कर रहे थे, तब कहां गया था आपका उपदेश? माताश्री, उपदेश का समय निकल चुका है, और अब मुझे शनि देव को किसी भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। और रही बात इस राज्य की, तो ये राज्य मैं कदापि वापस नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है।
श्री, शनि ने ये उचित नहीं किया। अब इस समस्या के निवारण के लिए हमें कुछ करना होगा। स्वामी, इस समस्या का निवारण केवल महादेव जी ही कर सकते हैं। सत्य कहती है देवी, वे महादेव ही थे जिन्होंने हमें शनि के कोप से बचाया था। जी सर। तो अब इस समस्या का समाधान भी केवल महादेव ही दे सकते हैं। हमें उसके लिए हिमालय की ओर जाना है। देवी, फिर तो हमें शीघ्र ही हिमालय की ओर जाना चाहिए। जी स्वामी। आइए। महादेव के चरणों में हम दोनों का सत्सत प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणस्तु। कहिए सूर्य, हिमालय पर कैसे आगमन हुआ? कष्ट का कोई कारण? परिवार बिखर रहा है महादेव, शनि किसी की भी बात मानने को तैयार ही नहीं। हम दोनों पीड़ा के सागर में डूबते ही जा रहे हैं। हमें उबार लीजिए महादेव, हमें उबार लीजिए, वरना हमारा शर्मनाश हो जाएगा। ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। यदि ऐसा है महादेव, तो इस समस्या का समाधान आप ही निकालिए नाथ। आप चिंता रहित होकर अपने लोक में प्रस्थान करें सूर्यदेव, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। प्रणाम महादेव। कहिए, किस कारण से मुझे याद किया है? आदेश करें। शनि, सूर्य देव स्वयं हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया कि आप अपने माता पिता एवं भाई बंधुओं का तिरस्कार करते हैं, उनसे शत्रुता रखते हैं। ये उचित नहीं है पुत्र, आपको सदैव ही उनसे प्रेम करना चाहिए एवं उनका सम्मान करना चाहिए। क्षमा कीजिए महादेव, परंतु आप पक्षपात कर रहे हैं। यदि मैं आपकी दृष्टि में दोषी हूं तो वो लोग भी मेरे अपमान के दोषी हैं, उन लोगों को भी दंड मिलना ही चाहिए। शने, तुम अपनी मर्यादा लांग रहे हो, अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ। महादेव, आप भी न्याय कीजिए। शने, लगता है तुम शिष्टाचार की सारी सीमाएं भूल चुके हो।
अब तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए वीरभद्र। उपस्थित हो। वीरभद्र। क्या आज्ञा है प्रभु? इस दंड को उचित दंड दिया जाए। आओ वीरभद्र, मैं भी देखता हूं तुमने कितनी शक्ति है, और आज तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में शक्तिशाली कौन है। वीरभद्र, वीरभद्र, महादेव वीणा, शने, तुम जैसे दुष्ट को दंड मिलना ही चाहिए। मेरे प्रभु, शनि जैसा भी है मेरा पुत्र है नाथ। आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, कृपा सिंधु है, दया के सागर हैं। आपने अपने भक्तों के ना जाने क्या क्या किया है मेरे नाथ। अरे आपने तो बड़े से बड़े पापियों को भी क्षमा कर दिया है शंभु। मेरे पुत्र शनि को क्षमा नहीं करेंगे नाथ। एक पिता अपने पुत्र के जीवन की भिक्षा मांगता है नाथ। मेरे शनि को क्षमा कर दीजिए नाथ, क्षमा कर दीजिए। शनि, शनि मेरे पुत्र। हम प्रसन्न हुए, एक पिता को सदैव ही अपना दायित्व निभाना चाहिए, जैसे कि आपने निभाया है। और वैसे भी जो प्राणी दूसरों पर दया करता है वो सम्मान का पात्र है, इसलिए हम आपकी बात का सम्मान कर शनि को मृत्युदंड से मुक्त करते हैं। क्षमा महादेव, क्षमा, क्षमा। महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अब तक जो भी अपराध किया है, मैं उन सभी अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। अपने इस दास को क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। हम आपसे नम्रता ही चाहते हैं। फलों से लदा वृक्ष सदैव झुका होता है, गुड़ी जनों का सबसे बड़ा आभूषण नम्रता ही है पुत्र। ठीक है महादेव, अब मैं दोबारा ऐसी त्रुटि कभी नहीं करूंगा।
भी नहीं करूं। ठीक है वत्स, हम तुम्हारा चित परिवर्तन देख तुम्हें संसार का दंड अधिकारी नियुक्त करते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है यदि उन्हें अपराध का दंड ना दिया जाए तो उनके अपराध बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए आज से आप जिस दोषी प्राणी पर अपनी वक्र दृष्टि डालेंगे वो 7.5 कहलाएगी, और जिसका दोष कम हो उस पर दृष्टि डालेंगे तो वो 2.5 कहलाएगी। अहो भाग्य महादेव, ऐसा ही होगा। और एक बात और याद रखना शनि जी, यदि इसके विपरीत सत्कर्मों वाले किसी भी प्राणी पर आपने अपनी दृष्टि डाली तो परिणाम अच्छा नहीं होगा पुत्र। मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महादेव, ये मेरा वचन है कि सद्मार्ग पर चलने वाले सभी व्यक्तियों का सर्वथा भला करूंगा।